बिस्मिल्ल रन रही व्यूअर्स अल्लाम वरम् वबरको वेलकम टू चैनल फूड डायरी अ प्रोग्राम दैट यू टू नो योर फूड राइट हमने बारह सुना है कि शुगर कम खाना चाहिए लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी शक्कर खाते हो तो आपका जवाब क्या होगा एक चम्मच दो चम्मच या उससे कहीं ज़्यादा जस्ट सो यू नो द डेली कंजम्पन ऑफ शुगर इस 30 ग्राम्स या 6 टी स्पून खुवान के लिए और 9 टी स्पूंस मरदों के लिए शो की शुरुआत में मैं वाजे कर दूं कि हम शक्कर के खिलाफ नहीं हैं और शक्कर खाना हमने मना नहीं किया है इन फैक्ट इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रीनस अलॉन्ग विद मैनी अदर न्यूट्रिय एंड इसको हम नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर कहते हैं एंड वी नीड दिस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी हमारी ब्रेन की गिज़ा ग्लूकोज़ है जो एक शुगर मॉलिक्यूल है हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ मौजूद है और इसीलिए ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है तो आखिर में शुगर को पॉइजन और टॉक्सिन्स क्यों कहा जाता है और क्यों इसके खाने पर इतनी पाबंदी है इसका खुलासा ये है नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर के अलावा शुगर इज़ अवेलेबल इन इट्स प्रोसेस फॉर्म जिसे हम टेबल शुगर या सुक्रोज भी कहते हैं

ऑफ योर डेली लिमिट अब प्रोसेस शुगर तो बनता है गन्ने और शुगर बीच से लेकिन उसको इतने केमिकल्स से प्रोसेस करते हैं कि इट हैज नो न्यूट्रिय वैल्यू लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम एडिंग एम्टी कैलोरीज टू योर बॉडी सेकेंडली प्रोसेस शुगर कैन बिकम हाईली अडिक्टिव ये इसलिए क्योंकि शुगर उन्ही ब्रेन रिसेप्टर्स पर काम करता है जहाँ पर दूसरे अडिक्टिव सब्सटेंसेज लाइक ड्रग्स एंड एल्कोहल काम करते हैं शुगर डोपमिन रिलीज करता है एंड यू गैट अस ऑफ वेल बींग दिस केमिकल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एंड मेक्स यू वॉन्ट टू रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन और इसीलिए हम देखते हैं कि लोग मीठा खाने की आधी हो जाते हैं शुगर का ब्रेन पर अगला इफेक्ट ये है कि वो हॉर्मोन ग्रेनिलिन जो भूख की सिग्नल्स देता है और हॉर्मोन लेप्टिन जो पेट भर जाने का एहसास देता है उसको डिसरप्ट कर देता है और इसीलिए हम देखते हैं कि लोग अक्सर शुगर को और या मिठाइयाँ को ज्यादा खाते हैं इनफैक्ट हमने कितनी बार लोगों को कहते हुए सुना है कि मीठे के लिए हमारे पेट में हमेशा जगह होती है जहाँ ब्रेन और शुगर की बात हो रही है तो ये बात शायद आपको ना पता हो कि एक्सेस शुगर कैन अफेक्ट योर चाइल्ड्स ब्रेन जी हाँ स्टडीज के हिसाब से जो बच्चे ज़्यादा शुगर खाते हैं उनका जो ब्रेन का हिप्पो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है छोटा रह जाता है हिप्पो वो एरिया है जो लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड होता है तो अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा आइसक्रीम चॉकलेट्स केक्स वगैरह देते हो तो आप अपने बच्चों की ब्रेन की कैपेसिटी यानी मेमोरी लर्निंग और रिटेनिंग पावर को कम कर रहे हो और स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि ये इफ़ेक्ट टेम्प्रेरी नहीं परमानेंट होती है चलो ब्रेन से हटकर हम शुगर की बॉडी पे इफेक्ट्स देखते हैं शुगर इज़ नोन टू लीड टू डिजीजेज लाइक ओबेसिटी हार्ट प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ फैटी लिवर एक्सेट्रा क्यों इसका जवाब ये है कि शुगर में मौजूद होता है फ़िफ्टी परसेंट ग्लूकोज़ और फिफ्टी परसेंट फ्रुक्टोज जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे सेल्स ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट रीचेज़ आवर लिवर लेकिन शुगर में मौजूद फ्रुक्टोज सीधा लिवर में पहुँचता है एंड दिस लीड्स टू फ्रुक्टोज ओवरलोड अब लिवर इसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और यही फैट को ब्लड में रिलीज कर देता है एंड दैट इज़ वाई यू सी एन इंक्रीज इन ट्राइग्लेसराइज एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड विच फर्दर लीड्स टू डिजीजेज लाइक ओबेसिटी हार्ट प्रॉब्लम एक्सेट्रा शुगर की अगली इफेक्ट यह है कि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी में विच इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ डिजीजेज लाइक आर्थराइटिस अल्जाइमस एंड इवन कैंसर जस्ट लाइक एक्सेस सॉल स्टडीज ने बताया है कि शुगर ऑल्सो लीड्स टू हाई बीपी शुगर ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाता है विच कैन लीड टू गाउट एंड अदर जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स शुगर इज ऑल्सो नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स आप सबको बताएं कि हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन नाम का हॉर्मोन बनाती है जो ब्लड में शुगर को रेगुलेट करने में बहुत ज़रूरी है लेकिन जब हम एक्सेस शुगर खाते हैं तो हमारे पैंक्रियाज ओवरवर्क होने के बाद डाउन कर देते हैं लीडिंग टू अ राइज इन योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड विच कैन सेट यू अपॉर टाइप टू डायबिटीज शुगर आपकी स्किन को भी नुकसान पहुँचाती है क्योंकि वो कॉलोजिन और इलास्टिन जो हमारी जल्द को रिंकल फ्री और फर्म बनाती है उसको अटैक करके उसको ब्रेक डाउन कर देती है एक्सेस शुगर की वजह से क्रोमियम और कॉपर की डेफिशेंसी भी हो सकती है एंड शुगर डिजरब्स दब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रिय लाइक मैग्नीसियम एंड कैल्शियम तो अगर आपको आपकी बॉडी को सेहतमंद रखना है तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल एडिड शुगर इन ऑल फॉर्म्स नीड टू बी एलिमिनेटेड और लीस्ट केप्ट अंडर द डेली कंजम्पशन लिमिट शुगर एकदम से छोड़ना शायद डिफिकल्ट हो सकता है इसीलिए आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिवस के साथ जैसे कि खजूर जैगरी हनी या किशमिश इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे शो की अगली सेगमेंट पर जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा क्या आपको मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम और गले में खराश होती है तो फिर आपको यह कुदरती नुस्खा जरूर आजमाना चाहिए 300 से 400 सौ पानी में दो टेबल स्पून जितना खिसा या कुटा हुआ अदरक एक टुकड़ा तज एक इलायची चार से पाँच कुटे हुए काली मिर्च दो लौंग चुटकी भर हल्दी को डालकर चार से पाँच मिनट बॉईल करें फिर उसे स्ट्रेन करके एक कप में थोड़ा सा हनी या गुड़ और आधा कटा हुआ नींबू का जूस ऐड करके पी सकते हैं इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा तो उम्मीद है आप फूड डायरी में शुगर पर दी गई इन्फॉर्मेशन पर गौर फिक्र करेंगे और आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा हमें आपकी सजेशन और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे मोसिना डोडिया को दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ शुक्रिया खुदा हाफिज